अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो फिर आज एक खाने से रिलेटेड एक ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हो गए। आज हम लोग आए हुए हैं रहमत भाई के चने, ये मेरे बैग पे आपको दिख रहे होंगे। रहमत भाई जो है चने कहते हैं कि एक अलग ही वाइब है रहमत भाई के चनों में। और ये रमजानों में हमने बहुत इनका ब्लॉग देखा कि जब भी यूट्यूब खोलते थे रहमत भाई रहमत भाई रहमत भाई। तो हमने सोचा यार ट्राई करने के लिए आते हैं, रमजान में नहीं आ सके थे, लेकिन अभी हम लोग आए हैं रमजान के फौरन बाद। तो एक ये बड़ा पोश इलाका है, बड़ा मतलब रश वाला एरिया है। ये इलाका जो है कहलाता है रणछोड़ लाइन। रणछोड़ लाइन की पोश इलाके के बिल्कुल बीच में जो है रहमत भाई चलने वाले हैं ये मेरे बैग पर। और अभी यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या चीज़ मिल सकती है, तो मतलब क्या टेस्ट है इनके, क्यों इतनी वाइब है इनके चनों के अंदर। चने तो हर जगह मिलते हैं लेकिन इनके इतने मशहूर क्यों हैं। आ जाओ गाइस। तो ये है रहमत भाई चने वाले, और आज हम लोग यहाँ पे इनके चने ट्राई करने के लिए। बड़ी इनकी वाइब सुनी थी, आज देख रहे हैं भाई कि क्या है ऐसा इनके चनों के अंदर। रहमत भाई कब से लगा रहे हैं भैया? 55 साल हो गए भाई इनको लगाते हुए यहाँ पे। हमने रमजानों में जब जब भी यूट्यूब खोला है आपके चनों की वाइब देखी हमने, बहुत लोग आए आपके। नाम जिया तबारक, जिया तबारक भाई भी आए थे, बिल्कुल आए थे। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्लॉगर फूड ब्लॉगर्स आए इनके पास, तो इनके चैनल में कुछ तो ऐसी बात है ना। अभी खाते हैं और आपको बताते हैं और इनकी स्टोरी। भाई ये हैं रहमत भाई के चने, ठीक है। और अभी रहमत भाई ने बताया कि जिया तबारक भाई वो भी यहाँ पे आए थे, जो बहुत बड़े स्पेशल बड़ा मशहूर फूड ब्लॉगर हैं, वो भी यहाँ पे आए थे। और अक्सर और बेशतर लोग यहाँ पे आते रहते हैं, इनके बहुत सारे यूट्यूब पे ब्लॉग्स पड़े हुए, आप लोग देख सकते हैं, इनका रिव्यू देख सकते हैं। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम भी यहाँ पे ट्राई करने के लिए आए हैं, और अभी ये इनके चने हमने लिए। चलो यार भैया कासिम जरा ट्राई तो करो। ट्राई दिखने से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन होंगे बेहतरीन। भाई हम लोगों ने आज चने ट्राई करे हैं, बड़ा मजा आया। और रहमत भाई से कुछ पूछते हैं, रहमत भाई कब से लगा रहे हैं हम ये चने की रेडी? एक जमाना 55 साल हो गए तकरीबन। अच्छा जी, छोले की गाड़ी रखते हुए माशाल्लाह 5-15 पैसे की प्लेट से शुरू करी है। ओहो जबरदस्त, आज 60 रुपए की प्लेट है। पापड़ी वाली बगल पापड़ी की, पापड़ी वाली 70 की है, डबल रोटी 12 रुपए की एक है। तो ये स्टार्ट से आप ही लगा रहे हैं या ये आपके बड़ा भाई था? अच्छा बड़े भाई, बड़ा भाई लगाता था। 46 साल से मैं हूँ, 45-46 साल हो गए मेरे को, 45-46 साल से आप इसी जगह पे खड़े हुए हैं, ये रहमत चने लगा रहे हैं। और वाकई यार जो जायका है इनका लाजवाब। ये गाड़ी हमारी ये है पाकिस्तान चौक पे लगती है। अच्छा जी, पाकिस्तान चौक पे भी, पाकिस्तान चौक पे लगती है, बड़ा भाई लगाता है। इकबाल भाई लगाते हैं। अच्छा अच्छा, इकबाल छू मंतर छोले वाला बोलते हैं। हां जी बिल्कुल, बड़ा भाई हो। अच्छा वो आपके भाई हैं? वो बड़ा भाई हो। और छू मंतर छोले जो हमने लास्ट टाइम ट्राई करे थे वो भाई इनके बड़े भाई हैं, उसकी भी छोलों की एक अलग ही क्लास है। और ये भी बनाते भाई ये रहमत भाई चने पे हमने तो खाया, हमें बहुत अच्छे लगे। अभी ये कुछ भाई हैं ये इसके बारे में फीडबैक देंगे। जी सर कैसे लगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा तल्लुक भी चलाते थे, मैं यहीं के रहती थी एक ज़माने में। अब मैं माशाल्लाह बैरीटोन गया हूँ, तो यहाँ पर किसी काम से आया हुआ था, तो रहमत भाई के छोले पसंदीदा, बचपन से हम खाते आ रहे हैं कि छोले माशाल्लाह से। तो बस यहाँ से हमने गाड़ी टर्न की इस तरफ आए और रहमत भाई से छोले से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और कितना टाइम हो गया आपको खाते हुए? मैं तो पता ही नहीं की मेरी। और क्या डिफरेंट लगता है इनके चावल? इनके
छोलों में ये है कि मतलब एक तो इनका ब्रांड ना बिल्कुल जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले खाते थे ना वही है, हालांकि और भी बहुत सारे यहाँ छोले वाले लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है मतलब आटा डालना शुरू कर दिया, पाउडर डालना शुरू कर दिया, लेकिन इनके मसाले और इनकी जो छोले का जो खिलापन है ना मतलब जिसको ब्राइंडनेस है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, जो इनका माशाल्लाह आज से 20 साल पहले जो था आज तक आज भी वही सेम वही रहेगा। चले जी, तो आपने फीडबैक सुन लिया रहमत चने के बारे में, जो जायका 20-25 साल पहले था वही जायका इन्होंने आज भी अपना डेवलप रखा हुआ है, कायम रखा हुआ है। जी विवश, तो आज हमने भी फाइनली रहमत भाई के चने जो है वो ट्राई कर लिए हैं, नो डाउट बहुत लजीज, बहुत औसम चने, हम लोग आपको भी रिकमेंड करेंगे आप लोग भी यहाँ पे आएँ, और जितने भी अच्छे बड़े ब्लॉगर्स को हमने देखा है कि वो आए, उन्होंने जो फीडबैक दिया है बिल्कुल इस चने को हमने वैसे ही पाया है और बड़ा मज़ा आया हमें तो ये चने खा के, खास करके वो जो कड़क तो रोटी के साथ है उसको कासिम ने भी बड़ा इंजॉय करा इस चने को, और हम लोग ऑलरेडी खाते रहते हैं, हमारे इलाके के अंदर भी एक दो चने वाले हैं बहुत अच्छे हैं मशहूर हैं, और लेकिन उनके चनों में और इनके चनों में जो है कुछ डिफरेंस था, जो लोग यहाँ पे आते हैं उसकी आज वजह हमें पता चल गई कि क्यों आते हैं यहाँ पे लोग, कुछ बात है तो आते हैं, बाकी आप लोग भी आइए इस चनों को इंजॉय करें, आप लोग को ज़रूर मज़ा आएगा। फिर अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि लास्ट ब्लॉग जो हमने आपको बाड़ा मार्केट का दिखाया था, 1000 रुपये का नोट था जो हमें खुला नहीं मिल रहा था कहीं से भी, इस ब्लॉग में भी यही हुआ है कि भाई ये 1000 रुपये का नोट हम देखे कर रहे हैं, लेकिन रहमत भाई ने भी हमें चने ऐसी दे दिए, बोले भाई चले जाओ खुला नहीं है तो बस बोले जाओ, तो ये हमारे 1000 रुपये फिर से, ये 2 हफ्ते हो गए ये 1000 रुपये हमारे खर्च नहीं हो रहे हैं। अक्षय कुमार, ये अक्षय कुमार वाला सीन चल रहा है हमारे साथ, जैसे फिल्म में हुआ था वो 1000 रुपये लेके घूम रहा था, फर्क ये है कि लड़की नहीं है, कासिम और मैं हैं इसके अंदर, हम दोनों ही घूम रहे हैं 1000 रुपये। तो हम लोग इस ब्लॉग को अपने इधर ही एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।